सबसे पहले प्रेम शुक्ला जी आपसे ही शुरुआत कर लेते हुए, संकेत और संदेश क्या समझा जाए? पहले तो धर्म से प्रधानमंत्री ने शुरुआत की अपने उद्बोधन की, और उसके बाद उन्होंने तंज भी कस दिया उन लोगों के ऊपर जिन्होंने राम को लेकर या उनके अस्तित्व को लेकर सवाल उठाए थे। क्या संकेत दिए जाने की कोशिश आज की? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि प्रभु रामचंद्र जो है वो भूत नहीं है, वर्तमान नहीं है, वो अनंत काल है। जिन्होंने उस अनंत काल को कम करके आंका, उनको अब भी जो है प्रभु रामचंद्र जी की महत्ता को समझने की आवश्यकता है। आज सिर्फ प्रभु रामचंद्र जी के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है, बल्कि राम राज्य की प्रतिष्ठापना का जो मुहूर्त है वो आज के दिन था, आज उसका भी शिलान्यास हुआ है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अब हमको अपने जीवन का पल पल, अपनी शक्ति का कण कण इस देश के विकास के लिए लगाना है और इस देश को बहुत आगे ले जाना है, इस देश को चंद्र और सूर्य के आगे भी पहुंचाने का प्रयास करना है। और भारत की जो संस्कृति है, राम की जो संस्कृति है, वो विश्व की संस्कृति के रूप में संस्थापित हो, इस दिशा में काम करना है, इस दिशा में काम करना है। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी क्या सोचती है? मैं कांग्रेस के नेता के पास जाऊंगी, लेकिन उसके पहले आपसे मेरा ये सवाल है, आज प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हो गया है, भव्य दिव्य तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी है, क्या भाव उत्पन्न हुए आज की तारीख? आज पूरा रोम रोम हर्षित हो उठा है, क्योंकि कई वर्षों के बाद आज हम किन्नरों का भी इंतजार खत्म हुआ है। जिस तरह से त्रेता युग में किन्नरों ने प्रभु श्री राम के साथ साथ 14 वर्ष स्वयं भी वनवास किया, और कलयुग में हम किन्नरों ने भी प्रभु श्री राम पुनः दरबार में आए, उसका इंतजार हमने भी वर्षों से किया है, और आज वो वर्षों पूर्ण हुआ। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कार्य किया है, प्रभु श्री राम का दरबार सजा दिया और प्रभु श्री राम स्वयं विराज गए। सुनाना चाहेंगे आज इस खास मौके पर? हाँ जी जरूर। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरे झोपड़ी के भाग हाय खुल जाएंगे, सिया राम आएंगे, मेरे प्रभु राम आएंगे, हम किन्नरों के प्रभु राम आ गए हैं, प्रभु राम आ गए हैं, अपने अपने मंदिर को सजा गए हैं, और श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही आज का कार्यक्रम संपन्न हो गया है। लोगों की भावनाएं आप तक पहुंचाते हैं, लोग क्या बयां कर रहे हैं, क्या भावना है? देखिए, पूरा विश्व आज बहुत प्रसन्न है और भगवान श्री राम अपने मंदिर में विराजमान है। इस दृश्य को देख करके विश्व में कोई ऐसा नहीं होगा जो हर्षित नहीं है। सब लोग हर्षित हैं। सब लोग इतना खुश हैं हम लोग कि जो हम लोग नहीं सोच रहे थे कि नहीं होएगा ही नहीं, कभी नहीं होगा ऐसा सोच रहे थे। हर्षित महतारी बहुत बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। बोलो जय श्री राम। श्री राम कुछ और क्या है? आज की तस्वीर देख कर क्या प्रकट हुआ? प्रधानमंत्री जी ने जो बातें कही उनमें सबसे अच्छी बात कौन सी लगी? मन इतना हर्ष उल्लास है कि हम बयान नहीं कर सकते। बोले जय सियाराम। से भरे हुए हैं। कुछ और लोग अपनी बात कहना चाहते हैं, आप लोग बताइए क्या क्या भावना रही है, जल्दी आइए आगे आइए अगर अपनी बात कहनी है। क्या भावना? बहुत ही सुंदर लगा आज यहाँ पे, सुवर्ण अक्षर में लिखने लायक आज का दिन था, है ना? इतिहास में स्वर्णाक्षरों में क्या आज की तारीख लिखी जाएगी? आप लोगों में से अगर कोई कोई भजन सुनाना चाहेगा तो जरूर बताएगा, आप बताइए बताइए। नारा यहाँ से लगा रहे हैं फिर से। अयोध्या में बैठे राम लला, भारत में आनंद का कमल खिला। अब कमल को लेकर ऐसा ना हो कि कांग्रेस पार्टी को दिक्कत, बोले कह रहे हैं कि अयोध्या में श्री राम लला का मंदिर बना और अब हर्ष का कमल खिल गया है। देखिए, सबसे पहले अयोध्या की इस धरा से तमाम उन असंख्य राम भक्तों को मेरा जय श्री राम। देखिए, हम जिस तरीके से अपने भगवान श्री राम के आदर्शों को और आचरण को मैंने समझा है, उसको धारण किया है। गोस्वामी तुलसीदास की एक चौपाई है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट राम भगवाना। राम भगवान जो है, जहाँ प्रेम है, जहाँ करुणा है, वहाँ वो विराजमान है। लेकिन मैं कहता हूँ, माँ सरयू बगल में है, प्रधानमंत्री जी के पोडियम से वहाँ विकास की बात हुई। ये आप घाट चले जाइए, अगर आपको कैमरा दिखाया जा रहा होगा, घाट की सीढ़ियाँ टूटी हुई है। क्या प्रधानमंत्री मोदी जी को माँ सरयू के उसमें डुबकी नहीं लगानी चाहिए थी? मैंने जिस तरीके से विधि विधान को पढ़ा है,
जिस तरीके से हमने संस्कारों के अपने पारंपरिक जो हमारा विधान है, धर्मशास्त्र जो हमारा बताता है, जो मैंने सुना है कि अगर आप गंगा में या यमुना में अगर आप डुबकी लगाते हैं उसके बाद विधि विधान करते हैं, एक तरफ अयोध्या में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा राम राज्य की हम कल्पना करते हैं, एक तरफ असम में एमपी और एमएलए बीजेपी के मंदिर में चले जाते हैं, राहुल गांधी को मंदिर में जाने से रोक दिया, राहुल गांधी को मंदिर में जाने से रोक देते हैं, आप लोग खुद मंदिर दर्शन करने जाते हैं। देखिए मंदिर में भक्तों को जाना चाहिए, तो लड़कियां छेड़ने वाले कहते थे ना मंदिर जाने वालों को, क्या कहते थे राहुल गांधी, राहुल गांधी क्या कहते थे मंदिर जाने वाले लड़कियां छेड़ते कहते थे कि नहीं कहते थे, क्या हो गया उनको मंदिर अचानक जाने लगे। फिर भी देखिए किसी का विरोध नहीं है, उनको तो जो है उनकी माता जी को और उनकी पार्टी के अध्यक्ष को श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का भी निमंत्रण गया था, उन्होंने अस्वीकार कर दिया, रोका किसी ने उनको, किसी ने कहा तुम, और अभी ये कह रहे हैं कि अयोध्या का विकास नहीं हुआ, सीढ़ियां टूटी है, भाई अयोध्या का विकास हुआ कि नहीं हुआ, इनको नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ इनको ले जाके दिखाइए, आपको दिखाई नहीं दे रहा, जनता तो कैमरा लेके चलिए, वो जो प्रधानमंत्री मोदी जी की जो स्क्रिप्टेड यात्रा थी उसी यात्रा को कैमरा कहाँ सेट करना है, पीआर एजेंसियां कहाँ सेट करना है, राम जन्मभूमि में स्क्रिप्टेड यात्रा, बिल्कुल स्क्रिप्टेड यात्रा, आप बताइए मंत्री, उतना भव्य मंदिर दिखाई नहीं दे रहा, मंदिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कर रहा है, करोड़ों राम भक्तों ने इसका स्वागत किया है, ये कहते हैं वो मंदिर कैसे जाएंगे, बीजेपी और आरएसएस और बीएसपी ये तय करेगी देश का कौन व्यक्ति मंदिर जाएगा, आपके शासनकाल में मंदिरों में रोका जा रहा है, जवाब दीजिए, नहीं जवाब देना चाहते, चारों शंकराचार्य नहीं आए जो हमारे जगत गुरु हैं, शंकराचार्य अभी कल शंकराचार्य का स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी का कल क्या बयान आया, उन्होंने कहा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं इसलिए भव्य दिव्य राम मंदिर बन रहा है, भाई भव्य दिव्य राम मंदिर में नरेंद्र मोदी जी की भूमिका है कि नहीं है, विश्व हिंदू परिषद की भूमिका है कि नहीं है, भाजपा की भूमिका है कि नहीं है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमिका है कि नहीं है, पूरा माहौल बना रहे हैं आप अयोध्या, मैं बना रहा हूँ इनको, मैं ले रहा हूँ साथ अपने, नारे तो आप ही लगवा रहे हैं ना कि ऐसा माहौल है कि नहीं है, तो वो लोग कहेंगे सवाल पूछ रहा हूँ, वो ना भी बोल सकते, नहीं हो ना भी बोल सकते हैं, जनता तो इनके हाँ में हाँ मिला, ये राम भक्त है, अब आप मोदी भक्त समझ रहे हो तो बात अलग, आप राम भक्त है, राम भक्त है कि नहीं है, देखिए सब राम भक्त है, राम महराम के असंख्य लोग हैं, लेकिन अब ये अपने विकास को राम के जरिए दिखाना चाहते, इसी सरयू की अविरल धारा का पानी पी के हमने पढ़े बढ़े हैं, जाइए आप घाट देख लीजिए, सीढ़ियां टूटी, मोदी मोदी के नारे लगा, मैं चलता हूँ घाट, मोदी मोदी के नारे, देखिए बिल्कुल अब जनता है, जनता का जनमत है, अगर देखना चाहते हैं आप कैमरा ले चलिए, मैं सरयू चलता हूँ, मैं डुबकी लगाने, अरे सरयू पीछे जरा दिखाइए, संजय दिखाइए, दीपक जलने लगे हैं, दीपक जलने लगे हैं, ये भी तो सरयू ही है ना, राम के पैड़ी पर हम लोग आते रहे हैं, पीछे के जो मंदिर है इस वक्त जिस पर रंगीन पुताई हुई पड़ी है, हमने अपनी आंखों से उसको काले काले दीवारों में देखा है, तो क्या उसमें तब्दीली नहीं हुई है, बिल्कुल देखा है, नाथ सकल संबोधन निहारा वही है क्यों एक राज तुम्हारा, बजरंग बली के मंदिर दर्शन भी जाना चाहिए था, लेकिन अयोध्या अधूरी कहीं ना कहीं प्राण प्रतिष्ठा करने का काम देश के प्रधानमंत्री ने, वो कह रहे हैं अधूरी रह गई, आज कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं, जरी सहमी विरोध की आवाज है इनकी, लेकिन ये आए इसके लिए मुझे लगता है कि इनको धन्यवाद करना चाहिए, बाकी तो कांग्रेस के प्रवक्ता जो बाबरी मस्जिद नहीं कहते नहीं चिल्ला सकते थे, आज वो कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। आज चित्रा एक देखिए कि ये सद्भावना का पर्व है, 22 जनवरी 2024, ये एक सेकंड माइक नहीं है तो मत बोलिए, माइक नहीं है तो माइक रहेगा तब बोलिएगा, एक सेकंड ऐसे चिल्लाना नहीं है, प्लीज आराम से अपनी बात कहनी है, माइक लेकर आएंगे तब बोलिएगा अपनी भावना। 22 जनवरी 2024 ये भारतीय संस्कृति की पुनर् प्रतिस्थापना का दिवस है, और मुझे लगता है हजारों वर्षों तक ये परंपरा चलने वाली है, और एक आपने देखा होगा मंच से एक बहुत बड़ी बात कही कि सबके राम, और जो सबके राम कहा गया तो वो धरातल में भी वही दिखाई पड़ रहा था, उस इस जो पर्व है इस कार्यक्रम में वो व्यक्ति भी शामिल था जिसने इसकी गढ़ाई की है, जो श्रमिक है वो भी शामिल था जिसने इसकी नींव खोदी है, उसमें वो भी शामिल है जिसने 10 रुपए दिए हैं, इसमें वो भी शामिल है जिसमें करोड़ों रुपए दिए हैं, इसमें वो भी शामिल है जिसने पत्थर की गढ़ाई की है, उसमें वो भी शामिल है जिसको कभी लगता नहीं था कि मैं ऐसे प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में जा पाऊंगा या नहीं जा पाऊंगा, तो ये सबके राम है, और सबके राम का जो संदेश सारे देश में गया है
वो मुझे लगता है उसको अब जीने का अवसर है। और अंत में एक बात, ये जो कटुता है, मंच से एक बड़ी बात कही गई है कि कटुता भूल करके सद्भावना की दिशा में बढ़ने का समय आ गया है, और मुझे लगता है कि इसके लिए कृत संकल्प होना चाहिए हर व्यक्ति को संकल्प। अरे कटुता कैसे खत्म होगी, एक तरफ आप कटुता खत्म करने की बात करते हैं, दूसरी तरफ यहाँ के बाद अब मथुरा और काशी का नारा लगवाते हैं। देखो जैसे उसका बहुत ताजा उदाहरण है, मैं आपके ही डिबेट में जब बैठता था तो विरोध करने के लिए 5 होते थे और राम का पक्ष लेने के लिए 4 होते थे। आज राम का पक्ष लेने के लिए 5 हैं और विरोध करने के लिए 1 है। ऐसे ले कटुता अपने आप खत्म हो जाएगी, जो कटुता वाले लोग आपको दिखाई नहीं पड़ेंगे तो सद्भावना अपने आप आ जाएगी, खुद हो जाएगा। ये कह रहे चले कुछ और लोगों की, उसके बाद मैं आऊंगे धर्म गुरुओं के पास, लोगों से बातचीत करते हैं। बताइए आज के इस दिन कौन सी बातें सबसे अच्छी लगी? मोदी जी की बातें तो सारी अच्छी लगी मैम। हम बस इतना कहना चाहते हैं कि जिस तरीके अयोध्या में मंदिर का निर्माण हुआ, भगवान राम लला का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ, लेकिन अयोध्या के साथ में जिस तरीके अयोध्या का पूरा विकास हुआ, चाहे महर्षि वाल्मीकि विकास हुआ है, यहाँ बिल्कुल बहुत ज्यादा विकास हुआ है। एयरपोर्ट की बात कर लें या फिर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम से बने स्टेडियम की बात कर लें या वहीं से चंद किलोमीटर की दूरी पर मेडिकल कॉलेज की सुविधा की बात कर लें तो काम हुआ है। सारी सुविधा मिल रही है हम लोग को। कौन कौन सी सारी सुविधा? अस्पताल हो गया, मंडलिया अस्पताल हो गया, सारी अस्पताल अयोध्या के अंदर में हो गया, और क्या चाहिए? सारी सुविधा मिल रही है, बिल्कुल सारी सुविधा मिल रही है। बहुत डेवलपमेंट हुआ है यहाँ पे, रोड भी अच्छी हो गई है, ट्रेन हो गई है, हवाई जहाज आ गया है यहाँ। ऐसा तो नहीं है कि राम का नाम लेकर 24 की नैया पार लगानी है? राम लला प्रतिष्ठित किए जिन्होंने अवध के सिंहासन पर, वही राम भक्त राज करेंगे दिल्ली के आसन पर। और भगवाधारी छा गए राम तंबू से महलों में आ गए, भगवाधारी छा गए राम तंबू से महलों में आ गए। यस भावना है यहाँ पर, आपको एक छोटे से आप रामलला को लेकर आए हैं। रामलला यहाँ पर देखिए बाल रूप में है और बड़ी खूबसूरत यहाँ की स्थिति होती है। आप देखेंगे क्या ये धनुष बाण भी है, ये क्या है? एक ही है इनमें कोई है। अच्छा कृष्ण जी है, मोर के पंख लगाए हुए। हाँ दोनों बस रूप की अंतर है लेकिन भगवान एक होते हैं। आज तो मथुरा में भगवान कृष्ण ने राम के स्वरूप में दर्शन दिए हैं और वहाँ पर तुलसीदास जी को राम के स्वरूप में दर्शन दिए थे तुलसीदास जी के कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने, तो यहाँ पर कृष्ण आ गए हैं। तो क्या अब अयोध्या के बाद बस इसीलिए क्योंकि अयोध्या एक झांकी है, काशी मथुरा बाकी, डेवलपमेंट के लिए विकास के लिए। हाँ बस भगवान कृष्ण ये संदेशा लेकर आए हैं कि अब की बारी जब राम आए हैं तो अब मथुरा में कृष्ण आने वाले। कृष्ण तो वहीं पर विराजमान है, विकास हुआ है कि नहीं? बिल्कुल विकास हुआ है। बताइए क्या भावना है मैडम? अच्छे से विकास हुआ है। सबसे पहले आपको जय श्री राम। और दूसरी बात ये जो विपक्ष इंडिया गठबंधन सब कुछ कर रहा है वो सब पे ज्यादा ध्यान न दो कोई भी, हम आपको 5 नहीं नहीं विपक्ष जो बोल रहे ध्यान नहीं देना नहीं कुछ नहीं। आज सनातन की जीत हुई है। और दूसरी बात, हर पार्टी के बात बता रहा हूँ, 5 मुख्यमंत्री का नाम गिनाता हूँ, 5 विधानसभा उत्तर प्रदेश में बुला लीजिए और आके यहाँ लड़ ले, जमानत जब्त करा के भिजवाऊंगा। और तीसरी बात, जो भाई है बहन है बुआ है उन्होंने तीनों जन का बुला लू, यही जमानत जब्त करवाए दिया, कसम से बतावत है जान।